रुड़की जिला अध्यक्ष आपने घोषित कर दिया, लेकिन रुड़की वास्तव में जिला का? हाँ बिल्कुल, चलो अब अभी शुरुआत तो कर दी ना। कई बार वो लोग बोले नालियों की बात, मेरे को कई बार मीडिया के मेरे मित्र भी नालियों की बात करने लगते हैं। अरे यार सागर हो गया, नालियों की बात क्यों कर रहे हो? सागर हो गया सागर। रुड़की के नए नियुक्त अभी जिला अध्यक्ष शोभा राम जी अभी इस कार्यक्रम में हैं, तो मैं समझता हूं कि शोभा राम जी को भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ये अच्छा तोहफा है। 22 वर्षों में इस राज्य ने बहुत प्रगति की है। हिमालय बेल्ट के जितने भी राज्य हैं उनमें नंबर एक स्थान प्राप्त किया है, और बहुत सारी चीज़ों में तो देश में भी नंबर एक स्थान प्राप्त किया है। जितना काम राज्य निर्माण के बाद हुआ, जितना काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये राज्य विकसित राज्यों में तेज़ी से उभर रहा है। और ये दशक इस राज्य का है, 2025 में एक मॉडल स्टेट के रूप में हम इसको प्रस्तुत करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामना भी दे रहा हूँ, और जिन लोगों ने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी है उनको भी, उनके बलिदान को भी हम याद कर रहे हैं, उनको भी नमन कर रहे हैं, और अटल जी को भी जिन्होंने हमको इस राज्य को दिया। मेरी मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, सबका योगदान इस राज्य के निर्माण में रहा, तो मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, और पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामना देता हूं। यहां हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस का जो आज रुड़की में आयोजित किया है, हमारे विधायक जी सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसलिए हम सभी रुड़कीवासी भी पूरी ताकत के साथ अभिनंदन कर रहे हैं रुड़की के नए नियुक्त अभी जिला अध्यक्ष शोभा राम जी अभी इस कार्यक्रम में हैं, तो मैं समझता हूं कि शोभा राम जी को भी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ये अच्छा तोहफा है। हमारे शर्मा जी सहित तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण जी सहित सभी सर, सर रुड़की एक मिनट मैडम, एक मिनट थोड़ा सर, एक सवाल हो, रुड़की जिला अध्यक्ष आपने घोषित कर दिया, लेकिन रुड़की वास्तव में जिला का? हाँ बिल्कुल, चलो अब अभी शुरुआत तो कर दी ना।